24 News, जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो हथियार के बल पर घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने में भी कोई गुरेज नहीं समझते। घटना खुर्जा के पॉश कॉलोनी कालिंदी कुंज की है, जहां कार सवार बदमाशों ने एक परिवार को गन पॉइंट पर लेकर घर की गृहिणी के पहने हुए जेवरात लूट लिए। पीड़िता की माने तो बदमाश हथियारों के साथ कटर भी साथ लाए थे, जिससे लुटेरों ने महिला के हाथों में पहनी सोने की चूड़ी काट ली। पीड़िता के मुताबिक गुरुवार शाम पीड़िता अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी कार सवार बदमाश वहां आ गए। बदमाश पीड़िता के बेटा और बेटी को गन पॉइंट पर ले गए, जिसके बाद बदमाशों ने जहां महिला के कानों के कुंडल लूट लिए, तो वहीं बदमाश महिला के हाथों की चूड़ियों को भी कटर से काट ले गए। कल मेरे साथ मेरे घर के सामने बैठी हुई थी, एकदम से बहुत बड़ी घटना हुई मेरे साथ में। मेरा 2.5-3 लाख का नुकसान हुआ है। मेरे हाथों में 4 कंगन थे और मेरे कानों में 2 रिंग थे, जो मेरे गनवाइट पर लेकर मेरे दोनों बच्चों को गनवाइट पर लिया और मुझे लिया और उनको कटर से काट कर और ले गए। I-20 गाड़ी में 4 लोग आए थे। कहाँ का मामला है ये? M ब्लॉक कालिंदी कुंज, M-140। केडीए वाले लोग हमारा कुछ नहीं सुनते, ना हमारे लिए कोई सुविधा दे रखी है, ना कोई गार्ड दे रखा है। पूरे दिन बाहर के लोग आते हैं कॉलोनी में, पूरी बुरी तरह से बदतमीजी होती है हमारे साथ। कई बार हम शिकायत दे चुके हैं, लेकिन ये लोग हमारी कभी सुनने में। कल से हमने पुलिस को भी शिकायत दी, कल से अब तक कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा किसी। ये कल शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास एक I-20 कार से 4 लोग, एक कालिंदी कुंज कॉलोनी है, बहुत बिखरे हुए मकान हैं, एकांत में एक मकान था, उस मकान के सामने पहुंचे। वहां एक महिला लगभग 45 साल की उम्र की बाहर बैठी थी, उससे उन्होंने स्टेशन का रास्ता पूछा। महिला ने बताया कि इधर कोई स्टेशन नहीं है। थोड़ी देर उससे बातों में उलझाए रखे, इधर उधर उन्होंने देखा कि जब कोई व्यक्ति बाहरी उधर दिखाई नहीं पड़ा, तो उन्होंने पिलास निकाला गाड़ी से और महिला को धमका करके उसके जो हाथ में कंगन था उसको काट कर साथ ले गए। तो इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी करने पर बात प्रकाश में आई कि इसी तरह की वारदात इन्होंने दिल्ली में की थी, वहाँ चोरी की गाड़ी है, गाड़ी चुराया था और काफ़ी कुछ सूचना उस संबंध में हम लोगों को प्राप्त हो गई है। शीघ्र ही अभियोग का अनावरण कर दिया जाएगा। पहचान नहीं हो पाई है सर अभी? नहीं, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ लिंक्स हैं जिनके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि बुलंदशहर पुलिस के आला अधिकारी लुटेरों को जल्द गिरफ्तार करने का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पॉश कॉलोनी में सरेआम हुए इस वारदात के बाद कॉलोनी वासियों में भारी रोष है। बुलंदशहर से Time 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।